दुनिया का सबसे खतरनाक पक्षी जिसका एक हमला इंसान की जान ले सकता है। यदि यह सवाल आपके दिमाग में है तो आइए जानते हैं। पर जानने से पहले आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और भी रोचक और मजेदार वीडियो देखते रहें। कैसोवरी को दुनिया का सबसे खतरनाक पक्षी माना जाता है क्योंकि यह जल्दी से आक्रामक हो जाते हैं और इनका हमला घातक हो सकता है। इतना ही नहीं, यह मनुष्यों को अपने पैरों से वार करके मार भी सकते हैं। कैसोवरी के पैर लंबे खंजर और कील जैसे होते हैं जो किसी जानवर या इंसान को घातक चोट पहुंचा सकते हैं। फ्लोरिडा में 2019 में एक व्यक्ति की मौत के लिए दक्षिणी कैसोवरी के पंजे का हमला जिम्मेदार था। कैसोवरी के तथ्यों में से एक यह है कि कैसोवरी के अंडे दो रंगों में होते हैं, हरे और नीले। कैसोवरी के अंडे सदस्यों में तीसरा सबसे बड़ा अंडा होता है और कैसोवरी डायनासोर की सबसे करीबी जीवित प्रजाति है। कैसोवरी की खोपड़ी में वही आवरण होता है जो कई प्रकार के डायनासोर में पाए हैं। कैसोवरी कहाँ पाए जाते हैं? कैसोवरी ऑस्ट्रेलिया, न्यूगिनी और मालुकी द्वीप के वर्षावन जंगलों में पाया जाता है और कैसोवरी की तीन प्रजातियां हैं जो उत्तरी कैसोवरी, दक्षिणी कैसोवरी और बौनी कैसोवरी के रूप में पाए हैं। यह एक अनोखा पक्षी है जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्वींसलैंड के वर्षावन में पाया जाता है। कैसोवरी मेलायलेयू का दलदलों और मैंग्रोव जंगलों में भी पाए जाते हैं और न्यूगिनी के पास के द्वीपों के समुद्र तटों के किनारे भी देखे जाते हैं। यह एक ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता लेकिन बहुत तेज दौड़ सकता है। कैसोवरी खतरनाक पक्षियों के रूप में जाने जाते हैं क्योंकि यह अपने क्रोध को नियंत्रण नहीं कर सकते और इंसानों को पसंद नहीं करते। हमेशा इंसानों से सतर्क रहते हैं, कभी कभी मनुष्यों पर हमला करते हैं और अपने पैरों के तेज पंजों से वार करके इंसानों को घातक चोट देकर घायल कर देते हैं। कैसोवरी एकांत पक्षी है जिसका मतलब यह अकेले रहना पसंद करते हैं। यह अपने क्षेत्रों में अकेले रहते हैं और कभी एक साथ आते हैं जब इनका प्रजनन मौसम होता है। मादा कैसोवरी अंडे देने के बाद नर कैसोवरी के पास छोड़ देती है। नर कैसोवरी उन अंडों पर तब तक बैठा रहता है जब तक अंडों में से चूजे बाहर नहीं आते। फिर 9 महीनों तक बच्चों की देखभाल करते हैं और तब तक देखभाल करते हैं जब तक बच्चे खुद की दम पर जीवित रहने के लिए सक्षम नहीं हो जाते। कैसोवरी का वैज्ञानिक नाम कैसोरियस है। कैसोवरी एक बड़ा और उड़ान रहित पक्षी है। यह कैसोरिडे परिवार का एक सदस्य है और इस परिवार में इमू पक्षी और शतुरमुख पक्षी भी शामिल है। कैसोवरी यह आज धरती पर जीवित रहने वाला दूसरा सबसे बड़ा पक्षी है। इसका यह नाम पप्पू आन शब्द से लिया गया है। इसका मतलब है सींग वाला सिर, जो इसके सिर के ऊपर बने हेलमेट जैसा दिखता है। इन पक्षियों में नर और मादा दोनों एक जैसे दिखते हैं लेकिन मादा पक्षी ज्यादातर बड़ी और भारी होती है और इनके बच्चे धारीदार क्रीम और काले रंग के होते हैं। इनके बच्चे लगभग 5 महीने बाद भूरे रंग के हो जाते हैं और एक कैसोवरी जैसा रंग लगभग 2 से 4 साल की उम्र में विकसित होता है। कैसोवरी का आवास। कैसोवरी यह दुर्लभ पक्षी है जो इस दुनिया में कुछ ही आवासों में पाया जाता है और इसमें मुट्ठी भर पक्षी ही बसे हैं जो ऑस्ट्रेलिया के समुद्र तटों और उष्णकटिबंधीय वर्षावन जंगलों में पाए जाते हैं। कैसोवरी अपना अधिकांश जीवन एक ही क्षेत्र में बिताते हैं। कैसोवरी एक एकांत पक्षी है जिस क्षेत्रों में अकेले रहना पसंद करते हैं और यह एक होम रेंज बनाते हैं। जब एक बार कैसोवरी इसे स्थापित कर लेते हैं तो यह अपनी रेंज के माध्यम से नियमित रूप से आगे बढ़ते रहते हैं। यह ज्यादातर अपने क्षेत्र में अकेले रहते हैं लेकिन जब इनके प्रजनन का मौसम आता है तो यह अंडे देने के लिए या कभी कभी पर्याप्त खाद्य आपूर्ति के लिए आसपास के सभी कैसोवरी एक साथ आ जाते हैं, अन्यथा यह जीवन भर अकेले ही रहते हैं। कैसोवरी देखने में कैसे होते हैं? कैसोवरी यह एक ऐसा पक्षी है जिनके पंख होते हुए भी उड़ नहीं सकते लेकिन अपने वजन के बावजूद बहुत तेज दौड़ सकते हैं। कैसोवरी दिखने में इनके पंख के साथ एक काला शरीर है और गर्दन से लटकती लाल त्वचा है जो लाल काई की तरह दिखती है। कैसोवरी का नीले रंग का चेहरा है। कैसोवरी के पंख चमकीले रंग के होते हैं और उड़ान रहित होता है। भूरे रंग का खोखला आवरण होता है जो इनके सिर पर एक छोटा हेलमेट की तरह दिखता है। कैसोवरी के पैरों के पंजों के साथ 3 उंगलियां होती है। मादा कैसोवरी ऊंचाई और वजन दोनों में नर कैसोवरी से बड़ी होती है। कैसोवरी क्या खाते हैं? कैसोवरी ज्यादातर गिरे हुए फलों को खाना पसंद करते हैं। इनके अलावा यह कीड़े, पौधे, बीज, पत्तियां, छोटे कशेरुकी, अकशेरुकी, बैक्टीरिया और कवक को खाते हैं। कैसोवरी यह एक सर्वाहारी पक्षी है जो पौधे और कीड़े दोनों खाते हैं। कैसोवरी अपना भोजन करते समय इनके खाने के तरीके में फल, भोजन को हवा में उछाल कर एक घूंट में निगलना आदि शामिल है।
कैसूरी की लंबाई और वजन। कैसूरी बहुत बड़ा पक्षी है और यह शतमुर्ग के बाद दूसरा सबसे भारी पक्षी है। एक कैसूरी की ऊंचाई लगभग 6 से 6.6 फीट यानी कि 1.8 से 2 मीटर होती है। यह बौनी कैसूरी से 2 गुना बड़ा होता है जो लंबाई में लगभग 3 फीट होता है और दक्षिणी कैसूरी का वजन लगभग 45 से 58 किलोग्राम के बीच में होता है। कैसूरी कैसे संवाद करते हैं? बौनी कैसूरी और दक्षिणी कैसूरी दोनों ही बहुत कम ध्वनि उत्पन्न करते हैं जिसे बूम्स कहा जाता है, जिससे जंगल में इन्हें एक दूसरे के साथ संवाद करने में मदद मिलती है। कैसूरी को यदि खतरा महसूस होता है तो यह अन्य कैसूरी को चेतावनी देने के लिए संवाद करते हैं। कभी कभी कैसूरी संवाद करने के लिए फुफराते हैं या सीटी बजाते हैं। कैसूरी कितनी तेज डोडेज उड़ सकता है? कैसूरी एक उड़ान रहित पक्षी है। कहने का मतलब यह है कि यह कभी उड़ नहीं सकते क्योंकि यह वजन में बहुत ही भारी होते हैं। लेकिन कैसूरी भागने में बहुत ही तेज धावक होते हैं। एक कैसूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। कैसूरी के घोंसले और अंडे। कैसूरी बहुपत्नी है यानी कि यह मादा कैसूरी एक अधिक नर कैसूरी के साथ मिलन करती है और अंडे देने के बाद तुरंत गायब हो जाती है और फिर एक नया घोंसला बनाती है। जंगल में मादा कैसूरी के बड़े क्षेत्र होते हैं जो कई नर कैसूरी के साथ मिलन किया जाता है। जब मिलन का मौसम आता है तो मादा कैसूरी कंपन वाली आवाजें निकालती है जो नर कैसूरी को आकर्षित करती है ताकि यह मिलन कर सके। कुछ मामलों में ऐसा भी देखा गया है दो जीव मिलन कर रहे हैं और एक तरह कैसूरी आ जाए तो पहले वाले नर को डरा देता, फिर मादा कैसूरी के साथ मिलन करेगा। इसका मतलब है कि मादा कैसूरी लगभग नर कैसूरी के अंडा पैदा करती है। जब मादा कैसूरी अंडे देती है तो वह इन अंडों को नर कैसूरी के पास छोड़ देती है। फिर नर कैसूरी उन अंडों पर 8 सप्ताह तक बैठकर अंडों को उब देता है। अंडे से बच्चे निकलने के बाद नर कैसूरी के साथ रहते हैं। नर कैसूरी उन बच्चों को खिलाता है और इनकी देखभाल करता है। जब यह बच्चे अपना जीवन जीना सीख जाते हैं तो नर कैसूरी को छोड़ देते हैं और अपना जीवन अपने तरीके से जीने लगते हैं। कैसूरी की दुनिया में कितनी संख्या है? दुनिया में कैसूरी की 3 प्रजाति पाई जाती है और दुनिया में 2,500 से 10,000 के बीच कैसूरी होने का अनुमान है। ऑस्ट्रेलिया कैसूरी की संरक्षण तिथि लुप्त प्राप्त है। दक्षिणी कैसूरी की संख्या भी हर दिन कम होती जा रही है और यह पर्यावरण संरक्षण और जीव विविधता संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध है। आज केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में घने वर्षावन जंगलों में पाए जाते हैं। कुछ समय पहले इन आवास वनों को तेजी से साफ किया जाता गया है जिसकी वजह से इन जंगली पक्षियों के विलुप्त होने का खतरा और बढ़ गया है। सड़क दुर्घटनाओं से भी कैसूरी को खतरा है। कुछ वर्षों में जंगली कैसूरी की कार दुर्घटनाओं में मृत्यु दर वृद्धि देखी गई है जिससे कैसूरी की संख्या कम हो गई है। कैसूरी कितने समय तक जीवित रहती है? कैसूरी एक उड़ान रहित पक्षी है लेकिन लंबा जीवन जीती है। इनका जीवन का लगभग 40 से 50 वर्ष होता है। कैसूरी का व्यवहार खतरनाक होता है। कैसूरी इंसानों के साथ बहुत सतर्क रहते हैं, स्वभाव से मित्रवत नहीं होते हैं। कैसूरी का हमला इंसानों और जानवरों दोनों के लिए खतरनाक होता है। कैसूरी एक अच्छा पालतू जानवर नहीं बन सकता क्योंकि यह प्रकृति के अनुकूल नहीं है और यह इंसानों से बहुत सतर्क रहते हैं। कैसूरी कई बार आक्रामक हो सकते हैं और कैसूरी के हमले बहुत खतरनाक होते हैं। जब एक कैसूरी को उकसाया जाता है तो यह लोगों के साथ जानवरों को भी गंभीर चोट पहुंचाने में सक्षम होते हैं। एक कैसूरी के पैर बहुत शक्तिशाली होते हैं। जब यह चीड़ जाते हैं तो अक्सर मनुष्यों और जानवरों को मार गिराते हैं जिससे गंभीर चोट लग सकती है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।